छठ हो जाएगी महाराज, और वो छठ भी कोई साधारण नहीं। जिस छठ माता का स्मरण स्वयं भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने किया, जिस छठी माता को स्वयं कार्तिकेय जी को दिया गया, पूरा विश्व हमारे बिहार साइड के जितने भगत लोग होते हैं आज से व्रत का क्रम प्रारंभ कर देते हैं। 36 घंटे का ये व्रत रहता है छठ का। स्नान, खाना, दूसरे दिन फिर वही क्रम में पूजन की तैयारी, भूखे रहना, सूर्य को अर्घ देना, उगते को डूब, और मां छठी का स्मरण करना। और ये कोई साधारण सा महीना नहीं है कार्तिक का महीना। जिस कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी का स्मरण कर रहे हैं, कार्तिक के महीने में गणेश का स्मरण कर रहे हैं, माता सरस्वती का स्मरण कर रहे हैं, भगवान शिव का स्मरण कर रहे हैं, ये वही कार्तिक का महीना है जिसमें भगवान शंकर और भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का मिलन हुआ था। अभी जो कार्तिक पूर्णिमा आएगी उसके एक दिन पहले हरिहर मिलन आता वैकुंठ चतुर्दशी। कृष्ण को, नारायण को, ठाकुर को बेलपत्र चढ़ती है, और भगवान भोले बाबा को, भगवान शिव को तुलसी का दल चढ़ता है। दोनों का मिलन हुआ था हरिहर वैकुंठ चतुर्दशी। और हमारे शिव महापुराण में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि संपूर्ण समय में पूरे वर्ष भर में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन भगवान शंकर पर तुलसी का दल चढ़ता है, और संपूर्ण समय में एक दिन ऐसा होता है जब ठाकुर जी पर बेलपत्र समर्पित होती है। शास्त्र तो कहता है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण वर्णन करती है कि ठाकुर जी को तो बेलपत्र आप अगर पूजन कर रहे हो तो रोज समर्पित कर भी सकते हो, पर शंकर भगवान को, भोलेनाथ को, मेरे विश्वनाथ को तुलसी का दल साल भर में समर्पित नहीं होता, केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है। और उस बेलपत्र की भी बड़ी महत्वता है। और कार्तिक के महीने में अपन जब कथा श्रवण कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं, और मौका मिला है कार्तिक महत्तम को श्रवण करने का, तो एक एक महत्व को अपन समझ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।